नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कंगना रनौत निर्देशित फिल्म इमरजेंसी के प्रदर्शन पर रोक का मामला। फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने की सुनवाई। हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारों को जारी किया नोटिस। कंगना रनौत की मणिकर्णिका प्रोडक्शंस, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सेंसर बोर्ड समेत अन्य को नोटिस। सुनवाई के दौरान जो पक्षकार मौजूद नहीं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मोड से हमदस्त नोटिस जारी करने के निर्देश। याचिकाकर्ता का तर्क, फिल्म के ट्रेलर में सिख समुदाय को क्रूर दिखाया गया है, इससे सिख समुदाय के लिए समाज में गलत छवि बनेगी। सुनवाई के दौरान एक्टिंग सीजे की बड़ी टिप्पणी, सिख कम्युनिटी ने कोरोना काल के दौरान आगे आकर सेवा की है। मैंने दिल्ली में देखा है, गुरुद्वारों में ऑक्सीजन से लेकर खाना उपलब्ध कराया है। कोरोना काल में सिख समुदाय सेवा करने में सबसे आगे था। कल सुबह फिर होगी मामले पर सुनवाई। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। जी हाँ, सुनवाई हुई, उसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश की जो खंडपीठ है उसने नोटिस जारी किया है और बोला इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप सभी प्राइवेट रिस्पॉन्डेंट मतलब जो फिल्म के निर्माता हैं, आपको मालूम है कंगना रनौत जी और जी टीवी और यूट्यूब वगैरह सबको नोटिस जारी करने का आदेश हुआ है और नोटिस इलेक्ट्रॉनिक मोड से जारी होना है और कल सवेरे 10:30 बजे उनका जवाब सुना जाएगा। मुख्य बात तो इसमें यही हुई, धारा 5B जो सिनेमाटोग्राफ एक्ट है उसमें जो वायलेशन हुआ है, मतलब कम्युनल पैशंस को बढ़ाने की फिल्म ने जो कोशिश करी है और सिखों को जिस प्रकार डिपिक्ट किया उस पर मैंने आपत्ति करी, तो अदालत ने बोला जो भी आपकी आपत्ति है विरोधी को सुन के ही उस पर निर्णय होगा, तो कल उस पर निर्णय होगा। बस और जो याचिकाकर्ता गण हैं उनको आप जानते हैं, जबलपुर सिख संगत है जिसमें हजारों सिखों का प्रतिनिधित्व करती है जबलपुर सिख संगत, और याचिकाकर्ता नंबर 2 जो है वो श्री गुरु सिंह सभा इंदौर मनजीत सिंह भाटिया के अध्यक्षता से 11,000 वोटर वहाँ भी हैं, वहाँ भी 32 गुरुद्वारे हैं। ये सभी याचिकाकर्ताओं को बहुत आपत्ति है जिस प्रकार सिखों को डिपिक्ट किया है, जबकि हमारा धर्म और हिंदुओं के साथ इतना अधिक अमेलगमेट है, एक है, उसको हिंदू सिख में जो डिवाइड करने की इस फिल्म ने कोशिश करी है उसको नाकाम करने के उद्देश्य से ये याचिका है। हमारा धर्म तो किसी भी धर्म से हमारा कोई वितकरा नहीं है, कोई फर्क नहीं करता, और हिंदुओं के तो 2500 बार राम का नाम मैंने बोला, श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिया हुआ है, सवे घट राम बोले, हम सवेरे शाम मत्था टेकते हैं वही बाणी बोल के। तो इस प्रकार कम्युनल पैशंस में ना फैन किए जाएं और दो धर्मों में डिवीजन उत्पन्न करने की कोशिश ना की जाए, ऐसी हमारी याचिका है। अब न्यायालय ने तो यही चाहा कि हम सभी की एक बार सुनवाई हो जाए, तो मेरे को बोला जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है और यूनियन गवर्नमेंट है उसके सभी प्रतिनिधि यहीं रहेंगे, मैं तो जबलपुर की सिख संगत को और इंदौर की संगत को और सारे मध्य प्रदेश के सिखों को, हमारे सीटू वीर जी, बबू वीर जी और सभी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने गुरु घर की सेवा करने की कोशिश करी। हमारा एम कुछ नहीं है, वी वॉन्ट अ यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग इंडिया। हम लोग ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चों पर गलत ढंग से कोई आरोप लगे। नोटिस इलेक्ट्रॉनिक मोड से किए हैं, वो जो मेरा बच्चा नवतेज गया हुआ अभी उनके इलेक्ट्रॉनिक पते ढूंढने, नवतेज तुरंत उनको सर्व करो। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।